लाइक का इंतजार करोड़ों भारतीय और दुनिया के लोग कर रहे थे वो समय आ चुका है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा और आपका प्रिय खेल, जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 23 मार्च 2019 से शुरू हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे आईपीएल से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातों के बारे में, देखना ना भूलिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख खान और आप देख रहे हैं आई एम शाहरुख खान यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में। आईपीएल भारत में 23 मार्च 2019 से शुरू हो रहा है और इसका जो फाइनल होगा वो 19 मई 2019 को होगा। आईपीएल की डेट्स आ चुकी हैं। लगभग 17 मैचों के बारे में आईपीएल एसोसिएट ने घोषणा कर दी है कि 17 मैच कम होंगे, लेकिन उसके बाद के मैच, क्योंकि भारत में आपको पता ही है 2019 में इलेक्शन भी हैं भारत के, तो उसके पश्चात जिस राज्य में जहां जहां पर चुनाव होंगे तो वहां कोशिश की जाएगी कि आईपीएल के मैच ना किए रखे जाएं उन तारीखों। दोस्तों, यह भी वो आईपीएल 2019 और इस सीजन में खेल रही हैं टोटल 8 टीमें। आज हम आपको बताएंगे वो 8 टीमें कौन कौन सी है। तो पहली है सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग, दूसरे नंबर पर आती है आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तीसरे नंबर पर आती है केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स और आपकी टीम है राजस्थान रॉयल, और उसके बाद आती है सनराइजर हैदराबाद और फिर है किंग्स इलेवन पंजाब और फिर है मुंबई इंडियंस और उसके बाद नंबर आता है दिल्ली कैपिटल का। जी हाँ दोस्तों, चौंक गए, ये कोई नई टीम नहीं है, ये पुरानी टीम है दिल्ली डेयरडेविल्स जिसका नाम हो गया है दिल्ली कैपिटल। दोस्तों, ये एक आईपीएल जो है T20 का फॉर्मेट होता है। आईपीएल की शुरुआत भारत में 2008 में शुरू हुआ था आईपीएल। इससे पहले 2007 में जी एंटरटेनमेंट एक आईपीएल उसने टूर्नामेंट शुरू किया था, तो उसको बीसीसीआई ने बैन कर दिया था और उसी के जवाब में आया था आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग। 2019 में इसका 12वां सीजन खेला जाएगा। आईपीएल जीतने वाली अब तक जो टीमें हैं उनके बारे में मैं आपको एक बार कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ। 2008 में पहला आईपीएल का सीजन जीता था राजस्थान रॉयल ने, उसके बाद आता है 2009 में जीता था डेक्कन चार्जर हैदराबाद ने, 2010 की अगर मैं बात करता हूँ तो जीता था सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग ने, और 2011 में भी ये ताज सजा था चेन्नई सुपर किंग के सर। उसके बाद आता है 2012 और आईपीएल का सीजन जीत जाती है केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, फिर आता है 2013 और मुंबई इंडियंस जीत जाती है आईपीएल का अगला सीजन, फिर आता है 2014 और 2014 फिर से आती है केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, और 2015 में फिर से एक बार मुंबई इंडियंस, 2016 में जीता है सनराइजर हैदराबाद ने और 2017 में फिर जीतती है मुंबई इंडियंस तीसरी बार, 2018 जो पिछला सीजन था उसमें फिर से सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग धोनी की अगुवाई में जीतती थी आईपीएल का 11वां सीजन। तो ये थी आईपीएल से जुड़ी हुई कुछ बातें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आईपीएल के फॉर्मेट में कितने रिकॉर्ड है, कौन सी टीम ने कौन से रिकॉर्ड बनाए, तो आपको उसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पर हम आईपीएल से जुड़े कुछ अजीब रिकॉर्ड देखेंगे। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है सुरेश रैना के नाम, जो अब तक 4985 रन बना चुके हैं। और अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर की, तो वो है लसित मलिंगा जो कि 147 विकेट ले चुके हैं और ये मुंबई इंडियंस की तरफ से ही खेलते हैं, आप जानते ही होंगे। और एक पारी में हाईएस्ट स्कोर अगर किसी खिलाड़ी ने बनाया है तो क्रिस गेल, जी हाँ, इन्होंने 175 रन बनाए थे। आपने वो पारी जरूर देखी होगी अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं, तो वो उन्होंने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाया था। अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा सिक्स यानी छक्के लगाने की, तो अब तक वो रिकॉर्ड भी है वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के नाम जो कि बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं, इन्होंने 292 सिक्स अभी तक ये लगा चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ फास्टेस्ट सेंचुरी की, तो ये रिकॉर्ड भी है क्रिस गेल के ही नाम। क्रिस गेल अब तक सबसे फास्टेस्ट जो सेंचुरी वो 30 बॉलों में इन्होंने लगाई थी, पुणे वॉरियर्स के खिलाफ ही लगाई थी इन्होंने शतक 30 बॉलों में 100 रन, जो कि बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। अगर मैं बात करता हूँ बेस्ट इकोनॉमी रेट के बारे में, तो उसमें आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नारायण, इन्होंने 6.54 के एवरेज से टीम को रन देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मोस्ट कैच के बारे में, तो मोस्ट कैच में आते हैं सुरेश रैना, जिन्होंने अब तक 95 कैच कर चुके हैं, ले चुके हैं, तो ये बेस्ट फील्डर भी इनको हम कह सकते हैं। अगर सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने की बात की जाए तो वो है क्रिस गेल, एक बार फिर लगता है ये T20 के लिए ही बने हैं। तो क्रिस गेल ने अब तक 6 शतक आईपीएल में लगा दिए हैं। अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा हैट्रिक की, तो हैट्रिक में नाम आता है अमित मिश्रा का, जो कि 3 बार हैट्रिक ले चुके हैं। सबसे ज्यादा एक ही मैच में रन बनाने वाली टीम कोई है, तो वो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, इसने बनाए थे 263 रन पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ, जिसमें लगाया था क्रिस गेल ने शतक। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन। आईपीएल के टिकट जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएंगे, तो अगर आप भी आईपीएल के दीवाने हैं तो आईपीएल देख सकते हैं। आईपीएल ने पिछले सीजन में भी टीवी पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल बना था आईपीएल, और दर्शक इसको 2000 जब इसका पहला सीजन आया था तभी लगभग 35 लाख लोगों ने स्टेडियम में मैच देखकर इसका आनंद लिया था। तो हम
कोशिश करेंगे आपको आईपीएल से जुड़ी हुई समय समय पर न्यूज देते रहेंगे। 23 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है, तो आप सब एंजॉय कीजिए और हाँ, वोट डालने जरूर जाइए क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ चुका है। आप किसी अच्छे कैंडिडेट को देखकर ही वोट कीजिए दोस्तों। अगर आपको हमारी बातें पसंद आती है, अगर आपको चैनल की कुछ बातें पसंद आई हैं, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।